हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बरीड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक ऐसी जगह जहां लाशों को दफनाया जाता है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा, सीमेट्री। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक ऐसा स्थान जहां पे लाशों को दफनाया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा सीमेट्री। ऑप्शन यहां पे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम मतलब कि समय के क्रमानुसार को क्या बोलते हैं वन वर्ड में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल जो होता है ये होता है काल क्रमबद्ध, मतलब कि समय के क्रमानुसार। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब कि रेलवे स्टेशन पर सामान रखने का जो स्थान होता है जिसको हम लोग माल गोदाम बोलते हैं, उसके लिए यूज करेंगे वन वर्ड क्लोक रूम। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो रेलवे स्टेशन पे होता है सामान रखने की जगह, उसको बोलते हैं माल गोदाम, जिसको वन वर्ड में कहते हैं क्लोक रूम। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग जो है रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको क्लोक रूम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है। तो रेलवे स्टेशन पर सामान रखने की जो स्थान होता है उसको बोलते हैं क्लोक रूम। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए गुप्त समझौता। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कल्यूशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज मतलब कि एक कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए गुप्त समझौता, मतलब जिसको आपसी साठ गांठ बोलते हैं, उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कल्यूशन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सैन्य या फिर अन्य सेवाओं के लिए जो अनिवार्य भर्ती होती है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंस्क्रिप्शन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंस्क्रिप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज मतलब कि सैन्य या फिर अन्य सेवाओं के लिए अनिवार्य जो भर्ती होती है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कंस्क्रिप्शन। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 100th एनिवर्सरी मतलब कि 100 भी जो वर्षगांठ होती है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सेंटेनरी। ऑप्शन यहां पे ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है शताब्दी। तो 100वीं वर्षगांठ के लिए, 100th एनिवर्सरी के लिए क्या यूज करेंगे वन वर्ड, ये करेंगे सेंटेनरी। ऑप्शन यहां पे ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि शताब्दी। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि घुमा फिरा के बात करना। तो घुमा फिरा के बात करने के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सर्कमलोक्यूशन। ऑप्शन यहां पे ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि घुमा फिरा के बात करना। तो घुमा फिरा के बात करने के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे सर्कमलोक्यूशन। ऑप्शन यहां पे ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंपेल्ड टू अ कोर्स ऑफ एक्शन।
तो कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोअर्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? ये करेंगे कोअर्स, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे कोअर्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एक ही स्रोत या फिर उत्पत्ति के लिए जो है वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कॉग्नेट, ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉग्नेट वन वर्ड यूज करेंगे, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, मतलब कि एक ही स्रोत या उत्पत्ति के लिए जो है वन वर्ड यूज करेंगे कॉग्नेट, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पर्संस वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब कि एक ही विभाग में या फिर एक ही डिपार्टमेंट में जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कलीग्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पर्संस वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, तो उसके लिए कलीग्स यूज करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूज डिस्ट्रक्शन फायर, तो भीषण अग्निकांड के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यूज डिस्ट्रक्शन फायर के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कॉन्फ्लेग्रेशन, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लेग्रेशन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूज डिस्ट्रक्शन फायर मतलब कि भीषण अग्निकांड के लिए क्या यूज करेंगे वन वर्ड? ये यूज करेंगे कॉन्फ्लेग्रेशन, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, मतलब कि भक्तों का जमावड़ा जो होता है, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स मतलब कि भक्तों के जमावड़े के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कंग्रुएंट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कंग्रुएंट, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट या फिर आर्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वह जो किसी विषय या फिर कला में पारंगत है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कोनोशर ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट या फिर आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय में या फिर कला में पारंगत है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कोनोशर, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्प्रीड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो शारीरिक स्पर्श या फिर संपर्क से फैलता है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंटेजियस बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विच स्प्रीड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट मतलब कि जो शारीरिक स्पर्श या फिर संपर्क से फैलता है उसको बोलते हैं वन वर्ड में कंटेजियस, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ द सेम टाइम, तो ऑफ द सेम टाइम के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो ऑफ द सेम टाइम के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कंटेम्प्ररी, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ररी मीन्स होता है समकालीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे एक सामान्य सीमा को छूने वाले दो देश या फिर दो राज्य, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कंटिगुअस ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य सीमा को छूने वाले दो देश या फिर राज्य, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कंटिगुअस, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोई भी गलत काम के लिए जो गहरा दुख दिखाना होता है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो ये यूज करेंगे कंट्राइट, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग मीन्स, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कंट्राइट, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो बीमारी के बाद स्वास्थ्य की जो क्रमिक प्राप्ति की अवधि होती है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कन्वेलेसेंस ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजन मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे गुप्त और अवैध जो धार्मिक बैठक होती है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजन मीटिंग के लिए वन वर्ड यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कन्वेंटिकल ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजन मीटिंग मतलब कि गुप्त या फिर अवैध धार्मिक जो बैठक होती है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे। तो ये करेंगे कन्वेंटिकल। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, अ सेडक्टिव वुमन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक मोहक महिला जो पुरुषों का शोषण करने के लिए अपनी यौन अपील का यूज करती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कॉकेट। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉकेट वन वर्ड में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग मतलब कि राजा का राज्य अभिषेक समारोह के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कोरोनेशन ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा के राज्य अभिषेक समारोह के लिए वन वर्ड यूज करेंगे कोरोनेशन। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मतलब कि राज्य अभिषेक। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु फील्स एट होम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अ पर्सन हु फील्स एट होम के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे मतलब कि एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर महसूस करता है तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन को बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर महसूस करता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, वन हु इज सिंपल एंड इजली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो कुछ भी बताया गया है उस पर सरल और आसानी से विश्वास कर लेता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्रेडुलस ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो कुछ भी बताया जाए उस पर वो आसानी से या फिर सरलता से विश्वास कर ले तो उस व्यक्ति के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे। तो उसको यूज करेंगे क्रेडुलस। ऑप्शन यहां पे इसका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बर्न्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे आप लोग पहले सोच लीजिए मतलब कि शव को जलाने का जो स्थान होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे क्रीमेटोरी। ऑप्शन यहां पे इसका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बर्न्ड मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे शव जलाए जाते हैं तो शव जलाने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं क्रीमेटोरी। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज या फिर मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड मतलब कि एक आदेश जो आंदोलन या फिर गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे कर्फ्यू। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण का जो केंद्र होता है तो आकर्षण के केंद्र के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइनोशो। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछा गया था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो ये यूज करेंगे साइनोश्योर। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन मतलब कि एक ऐसी भाषा जो अब बोली नहीं जाती है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेड। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन मतलब कि एक ऐसी भाषा जो अब बोली नहीं जाती है तो उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे डेड। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटीमेंटल स्पीचेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मतलब कि राजनीतिक नेता जो भावुक भाषण देता है तो भावुक भाषण के लिए क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डेमेगोग। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि राजनीतिक नेता जो भावुक भाषण देता है उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे डेमेगोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल मतलब कि जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार के लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डेमोक्रेसी। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल के लिए डेमोक्रेसी। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मतलब कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो सरकार होती है उसके लिए यूज करते हैं डेमोक्रेसी। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसएबिलिटी टू द लेग्स और बैक, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके लिए वन वर्ड का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।